हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब जो पढ़ने वाले हैं वो है क्वेश्चन इवेल्युएट आर एक्स वाई डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू वन। ये क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हमें इसका ग्राफ बनाना होगा क्योंकि कौन सा रीजन निकालना है हमें ये भी देखना है। ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, तो पहले इसे इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन हो गया, और एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर वन, एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर वन यहाँ पे आ जाएगा, और वाई बराबर जीरो तो एक्स बराबर वन यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से हमें निकालना है कि किस तरफ इसका रीजन है। तो जीरो जीरो पे हम सेटिस्फाई करा के देखते हैं, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे पास इसका रीजन है। और निकालना है ओवर द रीजन है फर्स्ट पॉजिटिव फर्स्ट क्वार्टर क्वार्टेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट या पॉजिटिव क्वाड्रेंट यही है। इसमें ये रीजन निकालना है और करस्पोंडिंग निकालना है एक्स वाई डी एक्स डी वाई के। तो ये हो गया हमारे पास एक्स वाई डी एक्स डी वाई के। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक पट्टी का खींच लेते हैं। ये बहुत ही छोटी वो है जिसकी लंबाई अपने पास, ये है अपने पास डेल एक्स और ये लंबाई है इसकी डेल वाई, ये है। अब यहाँ पे हम वाई देखते हैं, वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। वाई यहाँ पे जीरो है, वाई की वैल्यू बढ़ती हुई यहाँ पे, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू तो वही रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एक्स की वैल्यू है लेकिन वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो वाई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी वाई बराबर वन माइनस एक्स तक जाएगी। तो ये हो जाएगा वाई बराबर जीरो टू वाई बराबर वन माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये हो जाएगी जीरो से या जीरो से और यहाँ पे वन, जीरो टू वन एक्स वाई डी एक्स ऑफ डी वाई जीरो टू वन यहाँ पे ये। अब इसको हम सॉल्व करना है हमें फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वाई के रेस्पेक्टली इंटीग्रेशन करना होगा। जीरो टू वन वाई के रेस्पेक्टली करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन टू। पहले इसको अलग लिख लेते हैं, वाई बराबर जीरो टू वन माइनस एक्स एक्स वाई डी वाई ऑफ डी एक्स। तो ये इसको लिख सकते हैं जीरो टू वन, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन टू जीरो टू वन माइनस एक्स ऑफ डी एक्स, जीरो टू वन एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू, और जीरो अप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा वो ऑफ डी एक्स। ये हो गया फ्रेंड्स जीरो टू वन। अब इसको हम खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू ऑफ डी एक्स। तो ये हो जाएगा जीरो टू वन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन टू। अब इसका इंटीग्रेशन किया फ्रेंड्स हमने, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वन बाई टू तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स फोर अपॉन फोर जीरो टू वन। अब लिमिट अप्लाई कर दी तो वन अपॉन टू ये हो जाएगा वन अपॉन टू, वन अप्लाई करने पर वन वन बाई टू, यहाँ पे वन अप्लाई करने पर माइनस टू बाई थ्री, यहाँ पे वन अप्लाई करने पर प्लस वन बाई फोर, और जीरो अप्लाई करने पर सभी जीरो हो जाएंगे। अब फिर इसको हम जोड़ते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास ट्वेल्व, ट्वेल्व एलसीएम वन अपॉन टू का मल्टीप्लाई पहले ही से ही है, ये हो जाएगा सिक्स माइनस फोर इंटू टू एट प्लस थ्री, ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन 24 फ्रेंड्स, जो कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। थैंक यू फ्रेंड्स।